मैंने अपना पहला टैटू करवाया है और व्लॉगिंग चैनल के ऊपर इसके पूरे प्रॉपर व्लॉग्स भी बनाए हैं। लाइक व्लॉगिंग चैनल पे जो ऑडियंस देखते हैं वही से फीडबैक दी थी कि मैं कौन सा टैटू करवाऊँ। अब वो कौन सा करवाया है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। लेकिन जैसे कि मुझे टैटू करवाए ऑलमोस्ट अब कुछ महीने हो चुके हैं, तो इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस कि अगर आपको आपका पहला टैटू करवाना है देन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा करवाना चाहिए। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैंड, करिए फिर शुरुआत। चलो सबसे पहले दुविधा का आंसर पेन 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 की पेन कितनी होती है, दर्द कितना होता है, हर कोई यही पूछता है। एंड बिलीव मी, अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है कि टैटू करवाते वक्त पेन नहीं होती देन या तो उसने कभी टैटू करवाया नहीं है या फिर ऐसी जगह पे करवाया है जहाँ पे दर्द कम होती है। क्योंकि टैटू आप अपनी बॉडी के कहाँ पे करवाते हैं उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेन होगी। हमारे बॉडी के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कम दर्द होता है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एक आपके साइड पे ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस ग्राफ में सारा बताया गया है कि किस बॉडी पार्ट पे सबसे ज़्यादा दर्द होती है और किस बॉडी पार्ट पे हमारा कम दर्द होती है। और पेन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका वो टैटू है उसका डिज़ाइन कैसा है, ज़्यादा बड़ा है, एलेबरेट है, उसमें क्योंकि अलग तरह की जो हमारी नींडल्स हैं वो यूज़ होती हैं, या फिर अगर आपका टैटू बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो आपके टैटू के डिज़ाइन के ऊपर भी आपको कितनी दर्द होगी वो भी डिपेंड होगा। दूसरी चीज़ कि आपको कौन सा करवाना चाहिए। सी टैटू एक तो बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है, इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल चॉइस कैसी है। लेकिन फिर भी दो तीन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात ये है कि जो आपका जो पहला टैटू होना चाहिए वो आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ना आपके बहुत ही ज़्यादा आपके साथ इमोशनली अटैच होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दोस्त ने करवाया या फिर कहीं आपने इंटरनेट पे देख लिया उसको आपको एग्जैक्ट कॉपी करवाना है। जो चीज़ आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ को देख के ना लाइक एक आपको एक वो कहते हैं ना एक ऐसे वो क्या कहते हैं गूज़बम्स आएंगे जब भी आप उसको देखोगे, या मोटिवेशन मिलेगी या कुछ भी, या कोई चीज़ आपको डिफाइन करती है, वो चीज़ आपका एक अपना टैटू होना चाहिए। पहला टैटू किसी को देख के एग्जैक्ट कॉपी मत करना, जो दिल से आवाज़ आए वो ही एक आपका पहला टैटू होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप अपना पहला टैटू ऐसी जगह पे करवाएं जहाँ पे कम दर्द होता है एंड थोड़ा छोटा करवाएं, ज़्यादा बड़ा ना करवाएं। क्यों, ऐसा ही रीज़न क्या है? एक तो आपको पता चल जाएगा आप में वो दर्द सहने की एक सहनशीलता बढ़ जाएगी, एंड दूसरा रीज़न क्या है कि जो टैटू हम करवा लेते हैं जो उसकी आफ्टर केयर होती है, बिकॉज ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो टैटू करवा लिया तो हो गया, नहीं, टैटू करवाने के बाद उसकी आफ्टर केयर भी होती है, देन आपको पता चलेगा कि टैटू कैसे अपने आप को हील करता है, देन उसके हीलिंग प्रोसेस में कैसे उसकी केयर करनी है। इसीलिए आपका जो पहला टैटू वो बहुत ही सिंपल, ज़्यादा एलेबरेट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कम दर्द होता है लेकिन दिल के करीब होना चाहिए। अब टैटू की आफ्टर केयर कैसे करें, जो आपका टैटू होता है ना वो एक ओपन चोट की तरह होता है, अगर आप उसकी अच्छी तरह केयर नहीं करोगे तो एक तो जो आपने वो डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा, देन जो उसका हील होने के बाद जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आएंगे, और तीसरा इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। इसलिए आपको आपके टैटू की बहुत अच्छी तरह से केयर करनी पड़ती है। और जब आप अगर आप एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट से अपना टैटू बनवा रहे हैं देन वो आपको एक पूरी प्रॉपर एक चेकलिस्ट देते हैं कि इन बातों का भाई ध्यान रखना। वैसे कोई लंबी चौड़ी चेकलिस्ट नहीं होती, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। वो क्या होता है, एक तो वो साथ में आपको एक ट्यूब देते हैं या फिर ऐसे वैसलीन वगैरह देते हैं जो आपको अपने टैटू पे जब भी आपको लगे कि वो ड्राई हो रहा है, मैं दिन में 4 बार लगाता था। दूसरा क्या है, ये नहीं कि बस स्विमिंग चले गए, बस धूप के अंदर रखा उसको, कुछ भी ऐसा नहीं करना। आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर चेक करो कि मैं कैसे जो हमारा 10 रुपये वाला मास्क आता है ना, उस मास्क के अपना उसको टैटू को ढक के मैं गाड़ी ड्राइव करता था, क्योंकि जब गाड़ी चलाओ तो कई बार तुम्हारे यहाँ पे धूप आते हैं ना, तो मैं उसको टैटू को धूप से बचाने के लिए वो चीज़ करता था। और आपके टैटू को हील होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपके टैटू का साइज़ कितना है। इसीलिए जो बड़े टैटूज होते हैं उन्हें एक ही सिटिंग में नहीं बनाया जाता, उन्हें अलग अलग सिटिंग्स में बनाया जाता है। लेकिन अगर आपका टैटू एक ही सिटिंग में बना है देन वो 2 से 3 हफ्ते में हील हो जाएगा। अब जब आप टैटू करवाने जा रहे हो देन आपने अपने आप को कैसे रेडी
करना है। एक कि आपने अच्छा खासा अपने आप को हाइड्रेट किया हो, यानी कि आपने अच्छा खासा अपने आप पानी वगैरह पिया हो। एंड दूसरी चीज़ कि जिस दिन आपने टैटू करवाना है उससे एक दिन पहले, और जिस दिन आपने टैटू करवाया है वो वाला दिन और उससे एक दिन बाद, आप कोई अल्कोहलिक चीज़ ना ले, यानी कि दारू दुरू अल्कोहल वगैरह ना ले, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड तीसरी चीज़, मेक श्योर कि आप अपना डार्क क्लोथ्स पहन के जाएँ, क्योंकि ऑब्वियस है कि ब्लड तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर आपका छोटा टैटू है तो इतना ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि वो साथ साथ साफ करते रहते हैं, लेकिन आपका बड़ा टैटू है और आप कुछ ऐसी जगह पर करवा रहे हैं कि जहाँ पर आपके कुछ ब्लड आपके कपड़ों पर लग सकता है, देन मेक श्योर कि आप डार्क क्लोथ्स पहन के जाएँ। और अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है, देन मेक श्योर कि आप पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, कि पहले आप टैटू आर्टिस्ट के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप डॉक्टर को प्रेफरेंस दें कि हाँ मैं ऐसी चीज़ टैटू वगैरह करवाने की सोच रहा हूँ, क्या मैं करवाऊँ। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करें तभी ही करवाना, अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है। एंड अगली चीज़, अगेन टैटू आप कहाँ से करवा रहे हैं, किस आर्टिस्ट से करवा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कि जैसे मैंने तो व्लॉग में ही पूछ लिया था कि मैं कहाँ से करवाऊँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छी फीडबैक आ गई थी, तो मैंने वहाँ से करवाया था। अब मैंने कौन सा टैटू करवाया है, मैंने करवाया है पंजाबी, जो कि मेरी मदर टंग है, उसमें मैंने लिखवाया है माँ दा आशीर्वाद ते प्यो दा हौसला, हिंदी में माँ का आशीर्वाद एंड पिता श्री का हौसला, क्योंकि ये इस लाइन के साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। जो मेरी लाइफ स्टोरी है वो इन दो लाइनों में सम अप की जा सकती है। और मेरे हिसाब से जो मेरे जैसे हैं, कि जो लाइक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बड़े बड़े सपने हैं, वो इस दो लाइनों से रिलेट कर सकते हैं। और ये लाइन मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि ये लाइन मैंने खुद ही खुद ही बनाई है, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में बोलता हूँ माँ दा आशीर्वाद ते प्यो दा हौसला, इसलिए मैंने ये टैटू करवाया है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको पहला टैटू करवाने से पहले ध्यान रखने हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बीक एंड डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो।